हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। क्या आपको पता है इस बार आसूस ने जो फूल खिलाया है वो आपको इवन मोगली के जंगल में भी नहीं मिलेगा पर्सनल टच देने के बावजूद। जिसमें से पहला है, इस बार उन्होंने RTX 3060 को उसके असली शक्ति से अनभिज्ञ कराया है, जो कि शायद उसको खुद भी नहीं पता था। सैड वाली बात ये हो गई कि जब NVIDIA 4000 सीरीज एकदम मुहाने पे आ गया है लॉन्च होने के, तब जाकर के OEMs को RTX 3000 सीरीज का असली ताकत के बारे में अंदाजा लगा है। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, सो आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एज यू नो, अप्रैल का मंथ आ गया है एंड नौकरी वालों के लिए ये जल्द ही क्लियर कर देगा कि आप अपने कंपनी के लिए कितना कीमती हैं। भले आप अपना कमर सर या बदन तोड़ करके मेहनत कर रहे हो, सो अगर आपका अप्रेजल मुंह चिढ़ा रहा है आपके मुंह के सामने, तो यही मौका है अपने स्किल्स को एक नया दिशा देने का एंड वहां का मार्ग चूज करें जो कि आपको आपके स्किल के बेसिस पे माला पहनाने के लिए जन्मों से इंतजार में उपवास करके बैठा है। इस काम में आपका हेल्प करेगा हमारा आज का स्पॉन्सर। सो प्रेजेंट रीलेवल, ये अन अकेडमी का ही आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ गुलाब का फूल है। यहाँ आपको बस एक फ्री का ऑनलाइन टेस्ट देना है अपने टाइम एंड डेट के अनुसार, एंड अगर आपने एक अच्छा स्कोर हासिल कर लिया तो आपको फोन पे, स्विगी, क्रेड, ओला, पेटीएम जैसे और भी 200 प्लस बड़े ब्रांड्स में से काम करने का मौका मिल सकता है, वो भी ऐसे पैकेज के साथ की खुशी में एक वीक तक नींद ही नहीं आएगा। कुछ लोगों ने अप्रोक्स 40 लाख तक का पैकेज भी हासिल किया है इसमें। इसके लिए ना किसी रिज्यूमे, ना किसी डिग्री और ना ही किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है। बस आए, टेस्ट दिया, पास हुए एंड नौकरी का फूल तुम्हारे हाथों में। रीलेवल ने अब तक अप्रॉक्स 16 करोड़ से ज्यादा वर्थ की नौकरियां लोगों के बीच में बांट चुकी है। अकेले फरवरी महीना में हर दिन अप्रॉक्स 15 लाख तक का जॉब दिलवा चुका है रीलेवल। यहां आपको सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिस्ट, सभी तरह के जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं टू ट्राई। एंड अच्छी बात, अगर आप इनके फ्री वाले टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो भी दोबारा, तिबारा, 100 बार आप ट्राई कर सकते हैं टेस्ट देने का। नो कूलिंग पीरियड एंड नो काउंट लिमिट है इसमें। एक और इम्पोर्टेंट बात, पहले इसमें क्वालिफाई का मिनिमम स्कोर था 700, जो कि अब कम करके 500 कर दिया गया है। सो आपके पास और भी ज्यादा चांसेस है अपने आप को अपने मन मुताबिक काम में ठूसने का। इसके साथ साथ क्वालिफाइड लोगों को रीलेवल फ्री गुडीज एंड टॉप 3 को एप्पल के प्रोडक्ट्स भी देता है। सो आज ही रजिस्टर करें एंड जी ले अपनी जिंदगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ये एकदम फ्री है, सो फ्री में ट्राई करने में क्या ही जाता है। अब चलते हैं थोड़ा अपने आज के सुप्रीम लीडर पे चर्चा करने के लिए। सो आसूस ने इस बार जादू टोना वाले डायनो की सभा से लेकर के एलियंस के पिकनिक ग्रुप तक को झन्नाटेदार खुशी दी है विद इट्स न्यू लॉन्च ऑफ 2022 का Asus TUF F15। उसका मेन रीजन इस लैपटॉप का GPU RTX 3060 है, जो कि 140 वाट TGP के साथ आया है, जहां मेन TGP इज 115 वाट एंड बूस्ट 25 वाट का मिलेगा। फिलहाल तो ये RTX 3060 विद 140 वाट TGP बूस्टेड क्लॉक स्पीड के टाइम अप्रॉक्स 1927 MHz कोर क्लॉक स्पीड पे चलता है एंड बिलीव मी, इस टाइम वो जो जूस बनाता है वो आपको RTX 3070 विद इवन 100 वाट TGP को भी बैगन विद समुद्री पानी का जूस साबित कर देगा। सो अगर आप इसका कंपेयर एक RTX 3070 वाले लैपटॉप लाइक Netro 5, रोग Zephyrus M16, टफ डैश इन सब के साथ में करना चाहते हैं, तो भी आपको गर्मी में ठंडा मजा का एहसास दिलाएगा ये लैपटॉप। ये GPU प्रूव करता है कि आपको GPU खरीदते टाइम उसके TGP पे कितना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन फैक्टर बन गया है। इसके साथ साथ इस बार टफ F15 में आपको मिलेगा मक्स स्विच, जो कि पिछले साल तक सिर्फ रईसों वाले लैपटॉप का ही खिलौना था। इसके बारे में हमने पहले भी अपना सुविचार रखा है, आप चाहे तो इस वीडियो के जरिए इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आखिर ये मक्स स्विच काम कैसे करता है। सो मक्स स्विच की मदद से IGPU का बॉटलनेक हट जाता है, जिससे आपको कुछ परसेंटेज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो गेमिंग, रेंडरिंग, GPU इंटेंसिव टास्क वाइज ये लैपटॉप RTX 3060 दुनिया का देवराज इंद्र है फिलहाल तो। फॉर नोट ओनली, इस लैपटॉप में आपको MS हाइब्रिड मोड पे लैपटॉप को चलाना पड़ेगा फॉर मक्स स्विच एंड एडाप्टिव सिंक के लिए विद सॉफ्ट रीस्टार्ट, क्योंकि इसमें एडवांस ऑप्टिमस नहीं है। बाकी इस चांद को सूरज बनाने के लिए आपको केंद्रीय शक्ति के रूप में मिलेगा इंटेल का गौरवान्वित अलादीन का चिराग 12th जनरेशन 12700H का प्रोसेसर। ये प्रोसेसर कम्स विद 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर्स, टोटल 20 थ्रेड मिलेंगे। ये प्रोसेसर लास्ट जनरेशन के Asus TUF में अवेलेबल 11800H से अप्रॉक्स 17% इन सिंगल कोर एंड 30% इन मल्टी कोर परफॉर्मेंस दे रहा है एज पर नोटबुक चेक वेबसाइट। सो काफी पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। इसके साथ 16GB DDR5 का दिव्य दर्शन भी होगा विद 4800 MHz फ्रीक्वेंसी। सो सब कुछ मिला के आपको एक सॉलिड परफॉर्मेंस देगा इस साल का Asus TUF इन गेमिंग। फिलहाल तो ये अवेलेबल नहीं है ऑन Amazon, बट इसका 17 इंच वाला वर्जन अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ 136,000। मेन कंसर्न जो कि हर बार का रहा है विद TUF सीरीज के, आखिर इसको सिर्फ पृथ्वी के दोनों कोने वाले प्रदेश के मूल निवासी पेंगुइन, पोलर बेयर एंड वेल्स ही यूज करेंगे या और कोई भी कर सकता है विद स्मॉल एडजस्टमेंट। सो आई गेस इस बार TUF ने कूलिंग में अच्छा काम किया है एज पर टेस्ट डन बाय नोटबुक
चेक वेबसाइट ओनली विद टिपिकल स्ट्रेस टेस्ट विद विचर 3। सो ऑन टॉप टेम्परेचर इसमें नोट किया गया अप्रोक्स 77 डिग्री एंड सीपीयू का टेम्परेचर वाज 69 डिग्री। ये तब की बात है जब जीपीयू फुल क्लॉक स्पीड ऑफ 1927 मेगाहर्ज पे चल रहा था एंड अप्रोक्स 133 वाट पावर ड्रॉ कर रहा था। दैट इज टू मच। सो आई गेस इस बार कूलिंग सिस्टम भी काफी अच्छा किया गया है टफ का। इट मे बी ड्यू टू द पाइप्स जिसका जाल बिछाया गया है चारों तरफ सीपीयू एंड जीपीयू में, जो आप देख सकते हैं सामने, इसको ठंडा रखने के लिए। वैसे तो छिद्र ज्यादा नहीं दिए गए हैं बैक साइड में, बट शायद ठीक फैंस के नीचे होने की वजह से काम अच्छा कर रहा है। मेरा अपना विचार है, आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी स्क्रीन के लिए यू विल गेट 1080p रेजोल्यूशन का 15.6 इंच डिस्प्ले, 300 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 100% sRGB वाला स्क्रीन। सो स्क्रीन तो RTX 3060 के लिए कम है, क्योंकि इस शक्ति के लिए आपके पास एटलीस्ट 2K रेजोल्यूशन होना चाहिए, तब मजा आता। बट एक बात अच्छी ये होगी आपके लिए कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर पाएंगे एंड ज्यादा हैवी गेम्स खेल पाएंगे विद हायर रिफ्रेश रेट। स्टोरेज इज 1 TB SSD, बैटरी इसमें आपको मिल रहा है 90 वाट, जो कि काफी अच्छा है। इसमें पोर्ट्स का जाल कुछ इस प्रकार है एंड कोई भी पोर्ट्स पीछे की तरफ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस साल से शायद मैक्सिमम पोर्ट्स को पीछे की तरफ दिया गया था ताकि हैसल फ्री रहे लोगों के लिए, बट ये फैशन अभी फिलहाल इसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं नजर आ रहा है। तो ओवरऑल इस बार का टफ सीरीज काफी बेहतरीन आया है, विद ऑल जो भी सपना आपने एंड हम सब ने मिल करके देखा था इसमें पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।